अल्बोरा अपने घोंसले पर एक चिड़िया का बच्चा ले आती है। अल्बोरा का पहले से एक बच्चा है जिसका नाम मैक्स है। मैक्स बोलता है, आज खाने में क्या है, इसमें मछली लाई हो क्या? अल्बोरा बताने ही वाली थी कि तभी मैक्स का पापा आ जाता है। मैक्स का पापा बोलता है, आज खाने में क्या लाई? इतना बोलते ही उसका नजर उस पोटली पर जाता है और वो उस पोटली को खोल देता है। पोटली को खोलते ही चिड़िया का बच्चा निकल जाता है और वो मैक्स के पापा को अपना पापा समझकर उसके पैर पर लटक जाता है। मैक्स को ये चिड़िया बहुत पसंद आता है। मैक्स बोलता है, क्या इस चिड़िया को हम लोग रख सकते हैं? मैक्स का पापा बोलता है, बिल्कुल नहीं। असल में मैक्स के पापा को स्पैरोज बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अल्बोरा किसी भी तरह से उसको मना ही लेती है। लेकिन मैक्स का पापा बोलता, ठीक है, ये हमारे साथ रह सकता है, लेकिन सिर्फ सर्दियों तक, जिसके बाद अल्बोरा मान जाती है। जिसके बाद कई दिन बीत जाते हैं, सर्दियां आ चुकी है, मैक्स बड़ा हो चुका है और रिचर्ड भी बड़ा हो चुका है। मैक्स रिचर्ड को अपना भाई मानता है, वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन अब सर्दियां भी आ चुकी है। इस बात से अल्बोरा बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब रिचर्ड को अकेले छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियां आ चुकी है। अब सारे बगुले माइग्रेट करके दूसरे जगह जाएंगे, जिसके लिए सारे बगुलों को तैयारी करनी है। रिचर्ड एक चिड़िया है, वो इतनी दूर तक माइग्रेट नहीं कर सकता है। अगर आपको इसका